नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रज्ञा प्रिया हाजिर हूँ। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के सेक्सुअल रिलेशन का वीडियो किया वायरल। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और बगहा में आपस में भिड़े कांग्रेसी। और अब खबरें विस्तार से। नवादा के नरहट में एक लड़की का सेक्सुअल रिलेशन बनाते वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। नवादा पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गिरफ्तार विवेक ने पुलिस को बताया कि लड़की उसकी प्रेमिका है, हम लोगों के बीच लंबे समय से रिश्ता था। हाल में के दिनों में वो मेरे दोस्तों के साथ भी पैसा लेकर रिलेशन बनवाया करती थी। जबकि लड़की का कहना है कि लड़कों ने उसके साथ जबरन रिलेशन बनाने के बाद उसका वीडियो बना लिया था। वो हम पर बार बार रिलेशन बनाने के लिए दबाव डाला करते थे। हमने जब इसका विरोध किया तो उन लोगों ने वीडियो को वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ली है, जबकि 2 फरार हैं। मामला यही है, इसका चक्कर चल रहा था कुंदन कुमार का। इसका नाम है कुंदन, उसका घर हुआ नरहट। तो साल भर तक इसका चला था चक्कर, साल भर तक। और उसके बाद वो बयान कर रहे बोल दिया है, मेरा चलता है इससे ही 500 का काम करवा दिए सबसे, और मेरा सबसे कौन से करवा दिया। तो मेरा दोस्त जो दो भागा हुआ है, छोटू और टिंकू, दोनों पहले इसके साथ किया था। जो वीडियो वायरल हुआ है वो कल संज्ञान में आया है, लेकिन जो घटना होने की बात आ रही है वो उसमें 3-4 महीने पहले की है। और 3-4 महीने के बाद उस वीडियो के बेसिस पे जो अभियुक्तों द्वारा ब्लैकमेल की भी बात आ रही है, जो पीड़िता के द्वारा बताया गया है, और उसके बाद कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया मामला को सत्य पाया गया है और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 के लगातार छापामारी चल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर आने के बाद मुश्किलों में घिरे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, वहां की नया डुबा देंगे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की नया तो डूब चुकी है, वे अब बीजेपी की नया डुबाने की तैयारी में लगे हैं। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का आरोप बेबुनियादी है, जिसको जेल में जाना चाहिए वह जेल में है, आज जो बाहर है उसे भी कल जेल जाना ही होगा, कानून अपना काम कर रही है। आरोप तेजस्वी जी लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है, झूठ है, असत्य है, कोई उसमें दम नहीं है। और आज तेजस्वी जी द्वारा किए गए अपने उन कामों को जो कानून के हिसाब से जायज नहीं है, भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, कानून तोड़ने की बात हो, सबके घेरे में आ चुके हैं। इसके कारण वह यह बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जिसको जेल में होना चाहिए वह जेल में है, जिसको आगे जेल में जाना चाहिए वह आगे भी जेल में जाएगा। बिहार देख रही है, कानून तत्पर है, संवेदनशील सरकार है, और बिहार की भूमि हमेशा न्याय देती रही है। इस थोड़ी देर किसी को हो सकती है, न्याय तो होती ही है। और आज जो ही कोर्ट के द्वारा हो रहा है, जांच एजेंसियों के द्वारा हो रहा है, वह साफ उजागर हो चुका है, तथ्यों से उजागर हो चुका है। बिहार के बगहा के में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जयंती समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद पोस्टर बैनर पर भावी उम्मीदवार को लिखने को लेकर हुआ। कांग्रेस नेता पूर्णमासी राम इस पर इतना आक्रोशित हो गए कि कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष रामाशंकर दुबे का कॉलर पकड़ लिया। राम ने रामाशंकर दुबे पर पैसा लेकर टिकट बांटने का काम करने का भी आरोप लगाया। इधर दुबे का कहना है कि मैं तो शुरू से कांग्रेसी हूं, जो बाहरी है वो गंदी संस्कृति कांग्रेस में लाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बताते चले कि पूर्णमासी राम पूर्व में वाल्मीकि नगर से कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। वहाँ विवाद इस बात पर हो रहा है कि जो संजय यादव वो अपना भावी प्रत्याशी करके बैनर लगा दिया, जबकि उनको बैनर वहाँ जो लगाना चाहिए प्रखंड अध्यक्ष जी को, तो सभी नेताओं को चाहे किसी का नहीं लगता। माननीय पूर्व जो है हमारे प्रधानमंत्री जो रहे हैं इंदिरा गांधी जी, उनका जन्मदिन है,
आज है, उनका फोटो और उनका फूलमाला का व्यवस्था करके फूलमाला चढ़ाना है, लेकिन वहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो जो है बराबर राजनीति कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के कहीं बैठ के कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी से 10,000 ले रहे हैं, किसी से 30,000 ले रहे हैं, इस तरह से करके ये जो है कांग्रेस को बेचते हैं। इंदिरा जी के जन्मदिन के लिए पार्टी से ऑर्डर आया है कि एक धरना प्रदर्शन होगा, उसमें सबने अपने बैनर भी लगाए हुए, पार्टी की सारी कार्यकर्ताओं का है, ये आते ही हमारे ऊपर अटैक किया, क्या कौन होते हैं भूतपूर्व एमपी जो हमारी पार्टी के एमपी नहीं है, वो जेडीयू की है, हाँ समझ गए, श्री पुनवासी राम जी आके हमारी प्रखंड अध्यक्ष पे हाथ उठा दिए, उसके कॉलर पकड़ लिए, क्या ये हमारी कांग्रेस की सभ्यता है। राजधानी पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र के नाले में गिरे 10 साल के बच्चे का आज 3 दिन के बाद भी कोई पता नहीं चला। बच्चे की तलाश के लिए 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन नाले का कोई भी नक्शा नहीं रहने के कारण बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल रहा पाया। ये घटना शनिवार के दोपहर की है। नाले में गिरे बच्चे का नाम दीपक कुमार है, वह अपने पिता को खाना पहुंचाने जा रहा था, तभी सम्प हाउस के पास एक गाय ने धक्का मार दिया जिससे बच्चा नाले में गिर गया पड़ा। बच्चा नाले में जिस जगह पर गिरा वहां पानी का बहाव तेज है, बच्चे के पानी के साथ बह जाने की संभावना जताई जा रही है। नगर निगम के कुछ मजदूरों को ऑक्सीजन के साथ नाले के मेन हॉल में उतारकर बच्चे की खोज में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बिहार के जमुई जिले के रातताम थाना क्षेत्र में से एक छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस को घटनास्थल से छात्र का बाइक, मोबाइल और चप्पल लावारिस अवस्था में मिला है। पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। छात्र की पहचान राजू यादव के 18 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दीपक कुछ वर्षों से अपने मामा के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था। रविवार को वो बाइक से सब्जी लाने बाजार गया था। 8 बज गया तो हम लोग खोजबीन करने लगे कि अभी तक घर नहीं आया है, तो हमारा भाई जम्मू आया तो देखा कि बिठलपुर रोड बधवन तालाब के बिठलपुर रोड में मोटरसाइकिल, चप्पल और गमछी, सब्जी सब गिरा हुआ था। तब हम लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, वहाँ से हमारे ग्रामीण भी बहुत लोग आए, हमारे पास पड़ोस के भी आदमी आए, रास्ता में जो लोग जा रहे थे वो लोग भी रुके, फिर हम लोग थाना वाला स्टाफ लोग वहाँ पहुँच गए, फिर हम लोग थाना आए, थाना आने के बाद हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में चल रहे उठापटक के बीच रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपना सारा ध्यान मध्य प्रदेश के चुनाव पर केंद्रित कर लिया है। अपने इसी मिशन के तहत कुशवाहा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां अपने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव सभा करेंगे, जहां वही बीच पर अपना निशाना साधेंगे। उम्मीदवार लगभग 125 के आसपास उम्मीदवारों की संख्या है, लेकिन सब जगह नहीं जा पाएंगे, जहां कुछ जगह हमारे जो उम्मीदवार हैं जीत की स्थिति में हैं, टक्कर में हैं, और मुझको लगता है कि निश्चित रूप से उनकी जीत होगी, जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा जी लड़ रहे हैं मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से, और उसी तरह से और भी कुछ लोग हैं जो काफी मजबूत स्थिति में हैं, जीतेंगे, हम उन जगहों पे जाएंगे। गोपालगंज में एक बहू ने 65 वर्षीय सास बगुरा देवी को किरासन तेल डालकर जला दिया। सास 80% जल गई महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना जिला के फुलवारिया थाना क्षेत्र के पेकोवली बदो गांव की है। महिला को जलाने में उसके नाती और नतनी ने भी साथ दिया था। द्वारा खाती बधिर पशु अब ऊपर बेटी ऊपर बेटा मिल के किरासन तेल फेंक के माचिस पार मिलेगा। केकरा के जरूरत बोलो? हमरा पत्नी के। कितना उम्र हुआ, कहाँ बनी हुआ के इधर, वो कहाँ बनी? गोपालगंज बनी। आज के बुलेटिन में बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।